सच साहस सरोकार। मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। साल भर में मिलेगी 30 दिन की छुट्टी, बीच में नहीं छोड़ सकते ट्रेनिंग। आईएएफ ने जारी की अग्निपथ स्कीम की सेवा। मूसेवाला की रेकी करने वाले केकड़ा की पिटाई। लॉरेंस गैंग के मेंबर को बम्बीहा गैंग ने पीटा। मुक्सर में गोइंदवाल साहिब जेल शिफ्ट। बायोटेक के नेजल कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल पूरा, जल्द हो सकता है लॉन्च। बेंगलुरु में बारिश का कहर, दीवार गिरने से महिला की मौत। तेज नाले में बहा युवक, तलाश जारी। असम में बाढ़ से त्राहिम आम। 32 जिलों में 31 लाख आबादी प्रभावित। हजारों गांव जलमग्न। अब तक 62 की मौत। बिहार में रेलवे का बड़ा ऐलान, सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक नहीं चलेगी कोई ट्रेन। अग्निपथ योजना के विरोध में हुई है हिंसा। मर्डर केस के दोषियों को कोरोना का खौफ, पैरोल पर रिहा 49 कैदी। महामारी से डरे, सरेंडर के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। अग्निपथ पर सोनिया गांधी की चिट्ठी, लिखा योजना दिशाहीन, लेकिन हिंसक आंदोलन न करे युवा। कांग्रेस कल दिल्ली में करेगी प्रदर्शन। अग्निपथ से सुलगा देश। गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण। अग्निपथ योजना का पानीपत में विरोध, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के गले लगा रोया प्रदर्शनकारी। फारूक अब्दुल्ला नहीं बनेंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार, कहा अभी कश्मीर को मेरी जरूरत है, विपक्ष जिसे उम्मीदवार बनाएगी उसे हमारा समर्थन। अग्निपथ प्रदर्शन की वजह से सफर में फंसे लोगों को बड़ी राहत, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। साल का कार्यकाल पूरा होने पर बोले ओम बिरला, 18 सालों में सबसे ज्यादा हुए काम। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले साल के अंत तक 20-25 शहरों कस्बों में शुरू हो जाएगी 5G सेवा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने युवाओं से की पीएम पर भरोसा रखने की अपील, कहा आपको बरगलाने की कोशिश हो रही। कानपुर के बिल्डर हाजी वसी का हिंसा कनेक्शन, फंडिंग से सबूत मिले, कार्रवाई के पीछे हट रही पुलिस और केडीए। अग्निपथ योजना की खूबी बताएंगे रिटायर्ड फौजी, पुलिस भी कर रही 300 से ज्यादा छात्रों से संपर्क। रामपुर में आजम खां भाजपा पर हमला, कहा मुकदमा कराना था तो कुतुब मीनार और ताजमहल चोरी का कराते। फरुखाबाद जिले में रोलर से कार की भिड़ंत, मां बेटे की मौत, हादसे से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। अग्निपथ के विरोध में युवाओं
अपराधी बन जाएंगे। आगरा नगर निगम की गाड़ियों में तेल का खेल, अवैध पार्किंग में खड़ी कर चुराया जाता है तेल, मौके पर ही मिल जाते हैं खरीदार। बवाल के बाद आगरा पुलिस सख्त, एडीसी बोले अराजक तत्वों की संपत्ति से होगी नुकसान की भरपाई। अग्निपथ योजना का विरोध तेज, लखनऊ से गुजरने वाली 40 ट्रेनें निरस्त, हजारों यात्री परेशान। मथुरा में अग्निपथ योजना के विरोध में यमुना एक्सप्रेसवे और हाईवे पर रहा पुलिस का कड़ा पहरा, आईजी ने डाला डेरा। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, 4 की मौत, 2 घायल। कानपुर हिंसा को लेकर 42 गवाहों ने देखा पथराव और बमबाजी, एसआईटी कर रही बड़ी कार्रवाई की तैयारी। अड़तालीस घंटे तक दबंगों ने नहीं होने दी विदाई, दूल्हा दुल्हन बनाए बंधक, एसएसपी ने कार्रवाई के दिए आदेश। आईआईटी कानपुर ने तैयार किया ब्लूप्रिंट, रोबोट करेंगे मरीजों का इलाज, 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए। ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री शुल्क में छूट का नियम लागू, करोड़ों की प्रॉपर्टी अब महज 6,000 रुपए में होगी ट्रांसफर। गाजीपुर में स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रहे जिम्मेदार सफाई कर्मियों की लापरवाही से ग्रामीण परेशान। बदायूं में सोता रहा परिवार, लाखों का माल पार, रुझानी के बसोमा गांव में हुई वारदात। सीतापुर में पुलिस चौकी से दरोगा की बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, 11 जून की घटना। सीतापुर में नाबालिग किशोरी से दुराचार, मां की तहरीर के बाद आरोपी युवक गिरफ्तार। मानपुरी में बदमाशों ने भाजपा नेता को मारी गोली, गंभीर हालत में आगरा रेफर। इटावा में अग्निपथ योजना पर शिवपाल का तंज, बोले युवाओं के जीवन से खिलवाड़ न करे सरकार। वाराणसी में रिटायर्ड फौजी गिनाएंगे अग्निपथ की खूबियां, तहसीलदारों और प्रधानों को भी मिला टास्क। बहराइच में बुलडोजर से दुल्हन को लेने पहुंचा दूल्हा, डीजे की धुन पर थिरकते बाराती, लड़की के घर पहुंचे देखने के लिए उमड़ा हुजूर। बलिया में जल शक्ति मंत्री ने करना विरोधी कार्य का किया निरीक्षण, अधीक्षक अभियंता के न मिलने पर स्वतंत्र देव सिंह ने जताई नाराजगी। गाजियाबाद में यूपी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों मंदिरों को उड़ाने की धमकी, लश्करे तैयबा के नाम से गाजीपुर आरपीएफ को मिला लेटर। वाराणसी में हत्या का प्रयास और लूट जैसे आरोपों में 8 एफआईआर, अग्निपथ के विरोध में उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई जारी। अंबेडकर नगर में
रेलवे ट्रैक पर मिला शव, पुलिस बोली ट्रेन से कटकर हुई होगी मौत, जांच जारी। रायबरेली में मनरेगा पार्क की जमीन पर कब्जा, 1 करोड़ रुपए सरकारी जमीन की कीमत। मौलाना के प्रदर्शन को लेकर सुबह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 1500 लोगों की अनुमति, महिलाएं बच्चे नहीं होंगे शामिल। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन के चलते 95 ट्रेनें कैंसिल, नॉर्थ सेंट्रल ने जारी की 3 लिस्ट, यात्रियों से खेद भी जताया। यूपी में जगह जगह बवाल, 18 जिलों में उपद्रव, 12 जिलों में 19 FIR दर्ज, 340 गिरफ्तार। उत्तराखंड के DGP की युवाओं से अपील, कानून को हाथ में न ले। उत्तराखंड में 10 जुलाई तक होंगे कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले, चुनाव आचार संहिता की वजह से बढ़ी अवधि। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले पिथौरागढ़ विधायक मयूब मेहर, पिथौरागढ़ हवाई सेवा जल्द शुरू हो। उत्तराखंड के युवा संगीतकार गुंजन डंगवाल की सड़क हादसे में मौत, डंगवाल का चंडीगढ़ के पास हुआ सड़क दुर्घटना। हल्द्वानी में अग्निपथ योजना का विरोध करना, युवाओं को पड़ा भारी, 400 प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज। देहरादून में पल्स पोलियो अभियान शुरू, कोरोनेशन में जिला अस्पताल में डीजी हेल्थ ने किया शुभारंभ। रुड़की में तोड़फोड़ की अफवाह पर दौड़ी पुलिस, हिरासत में लिए 2 एकेडमी संचालक। देहरादून में NSUI कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बद्रीनाथ का दौरा, मास्टर प्लान के तहत पुनर्विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा की। हल्द्वानी में सीवर चैंबर लीकेज मामले में पार्षद रवि वाल्मीकि ने दुकानदारों को लगाई फटकार, महामारी की आशंका पर की थी शिकायत। काशीपुर में पदरोड़ा सागर टीले पर दिखा तेंदुआ कॉलोनी वासियों में दहशत। काशीपुर में बिजली घर पहुंचे 2 पुलिस कर्मियों और ऊर्जा निगम कर्मियों के बीच विवाद को लेकर धरने पर बैठे बिजली कर्मी। मसूरी के नामी स्कूल में विदेशी छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, केस दर्ज। सीएम धामी ने छात्रों के साथ खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का दिया संदेश, कहा क्लीन और ग्रीन के साथ उत्तराखंड को बनाएंगे आदर्श राज्य। हल्द्वानी में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसियों ने निकाला जुलूस, SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। भारत से शरण की गुहार लगा रहा अफगान सिख, बचे हैं सिर्फ 20 परिवार, गुरुद्वारे पर IS के हमले के बाद दहशत।
बांग्लादेश में बाढ़ ने मचाई तबाही, 60 लाख लोग प्रभावित, राहत व बचाव के लिए सेना को बुलाया गया। भारत के यूएन में घरी घरी मुस्लिम, ईसाई और यहूदी ही नहीं, इनके खिलाफ भी बंद हो धार्मिक फोबिया। पैगंबर के अपमान का जवाब था, काबुल में गुरुद्वारे पर हमला, हिंदू और सिख बने निशाना। अमेरिका पर बरसे पुतिन, कहा एक ध्रुवीय विश्व का दौरा खत्म, परमाणु बम से करेंगे रूस की रक्षा। साइकिल से गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति, उठकर बोले बाइडेन मैं अच्छा हूं, साइकिल के पैडल में अटक गया था शू। श्रीलंका में सोमवार से दफ्तर स्कूल बंद, धन बचाने के लिए सरकार का ऐलान, ऑफिस नहीं जाएंगे सरकारी कर्मचारी, स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लास। गूगल के को फाउंडर सरगेई फिर लेंगे तलाक, दुनिया के सातवें अमीर हैं सरगेई, शीर्ष सात अमीरों में से पांच का हो चुका है तलाक। कैपिटल हिल से हिंसा मामले में बड़ा खुलासा, ट्रंप के झूठ का साथ देने वाले नेताओं को बड़ी कंपनियों ने पैसा दिया, डोनेशन से हुआ खेल। बलूचिस्तान में आतंकी हमला, कोयला खदान को बनाया निशाना, 3 श्रमिकों की मौत। मई में सबसे ज्यादा बिका ओला का एसआई प्रो, ओकिनावा का प्रेज प्रो रहा दूसरे नंबर पर। भक्तिवीरों की भर्ती को लेकर हरदीप पुरी का बड़ा बयान, हाउसिंग और पेट्रोलियम मंत्रालय खोल सकते हैं दरवाजों। करेंसी में भयंकर गिरावट, बिटकॉइन की कीमत $20,000 के नीचे, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। पीयूष गोयल बोले डिजिटल दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत, वैश्वीकरण को बहाल करने के लिए कर रहा है काम। विजय शेखर शर्मा ने खरीदे अपनी ही कंपनी के 1.7 लाख शेयर, स्टॉक में आई जोरदार तेजी। अमरपाली के अनिल शर्मा की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा। स्पेसएक्स ने एलन मस्क की आलोचना करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, लिखा था ओपन लेटर। स्नैपचैट यूजर्स पर लगेगा चार्ज, ऐप यूज करने के लिए चुकाना पड़ सकता है ₹3,700 आ रहा सब्सक्रिप्शन प्लान। शेयर बाजार में 6 दिन से जारी गिरावट में निवेशकों के 18.17 लाख करोड़ रुपए डूबा। केंद्र सरकार में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा टेस्ला और एलन मस्क का भारत में स्वागत है। वेस्टइंडीज जीत के करीब, अब सिर्फ 35 रनों की दरकार, बांग्लादेश की दूसरी पारी 245 पर सिमटी। पांच साल के बच्चे की मां का कमाल, फ्रेजर प्राइम ने डायमंड लीग में रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ जीता 100 मील का गोल्ड।
खेलो इंडिया की तरह खेलो शतरंज की होगी पूरे देश में धूम। शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी के लिए भारत तैयार। श्रीलंका दौरे से पहले बोली टीम की कप्तान हरमनप्रीत, यह सीरीज टीम गठन के लिए शानदार मौका। आईपीएल में कप्तानी गंवाने के बाद पहली बार एक्शन में दिखेंगे रविंद्र जडेजा, इंग्लैंड पहुंचते ही ट्वीट करके लिखा नई शुरुआत। पाकिस्तान के नेशनल कोच पर महिला खिलाड़ी ने लगाया यौन शोषण और ब्लैकमेल करने का आरोप, पीसीबी ने किया निलंबित। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के बाद जीता पहला गोल्ड, 86.89 मीटर का थ्रो फेंक कर बने चैंपियन, तीसरी कोशिश में फिसल गया था पांव। इमोशनल हुए कार्तिक और हार्दिक, जी के बोले मुझे पता है ड्रॉप होना क्या होता है, पांड्या बोले धोनी की वजह से मैं यहां तक। तेईस साल बाद रणजी के फाइनल में पहुंची मध्य प्रदेश, बांग्लादेश को 174 रन से हराया, कुमार कार्तिकेय ने झटके 5 विकेट। मिशन इंग्लैंड की तैयारी में जुटा टीम इंडिया, एकमात्र टेस्ट के लिए विराट कोहली जमकर बाहर रहे पसीना, रविंद्र जडेजा भी आए नजर। प्रियंका चोपड़ा ने पूरी की सीटाडेल की शूटिंग सेट पर ड्राइव करती दिखी एक्ट्रेस। परिणीति चोपड़ा ने स्कूबा ड्राइविंग के दौरान समुद्र से कलेक्ट किया प्लास्टिक वेस्ट, फैंस बोले आप पर बहुत गर्व है। मालदीव में वमिका के साथ साइकिल पर चल करती दिखी अनुष्का शर्मा, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर दौड़ते नजर आए अक्षय कुमार, फैंस बोले फिट मुंडा। लता मंगेशकर ने भारत रत्न जीतने पर नहीं मनाया था जश्न, भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने किया खुलासा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के तारक मेहता की वापसी पर दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल बोले शैलेश भाई वापस आ सकते हैं। कियारा को बाइक पर बिछाकर घूमते दिखे वरुण धवन, फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं दोनों स्टार्स। रेसलर संग्राम सिंह और पायल रोहतगी आगरा में करेंगे शादी, 9 जुलाई को लेंगे 7 फेरे। बारिश में भीगते हुए सूरत में योग सिखाने पहुंची मलाइका अरोड़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में उतरी कंगना रनौत बोली ड्रग्स और पबजी में बर्बाद हो रहे युवाओं के लिए एक तरह से रिफॉर्मर्स बेहद जरूरी। न्यूज़ दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।